तो सबसे पहले तो आपको पेटीएम ऐप खोलना है आपके फ़ोन पर। पेटीएम ऐप ओपन करते ही आपको बाय फास्टैग पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम प्राइस ब्रेकअप देखते हैं इसका। 100 रुपये हमारे टैग की प्राइस है, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें 250 का है, और मिनिमम बैलेंस जो कि हमें फास्टैग अकाउंट में मेंटेन करना होगा वो है 150। अब हम यहाँ पर हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते ही आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। फिर आपको आपका पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट डन होते ही SMS आ जाएंगे दो, एक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटने का और एक पेटीएम का कि आपका फास्टैग ऑर्डर हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस पेटीएम के फास्टैग को ओपन करने वाले हैं और देखने वाले हैं हम इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है पेटीएम फास्टैग के अलावा। ये हमें कुछ इस तरह की पैकिंग में मिलता है। इसे अब हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये अब हमने इसे खोला। यहाँ पर मुझे तीन चीज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो ये है, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए। फिर दूसरी चीज हमें मिलती है हमारा ये फास्टैग, इसे हमें गाड़ी की विंडस्क्रीन पर अंदर की ओर से लगाना होगा। और तीसरा मिलता है हमें ये यूजर गाइड। तो इस यूजर गाइड को खोलते ही आपको दिख जाएगा कि आपको अपना पेटीएम फास्टैग लगाना कैसे है, फिर हमें हमारे फास्टैग को मैनेज किस तरीके से करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ओपन पेटीएम ऐप, टैप ऑन पासबुक एंड टैप ऑन फास्टैग वॉलेट। दूसरा लिखा है टैप ऑन मैनेज फास्टैग, फिर लिखा है मेक श्योर फास्टैग इज इन एक्टिव स्टेट, और चौथा लिखा है हमें हमारे ट्रांजेक्शंस देखने के लिए व्यू ट्रांजेक्शन में जाना होगा। इसे अब हम हमारी गाड़ी के अंदर लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है। मैं इस जगह पर इस फास्टैग को लगाने वाला हूँ। मैं एकदम सही अलाइन करना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है फास्टैग को लगाने के पहले। सबसे पहले तो इसे आप उसे मैच कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैच करके जब मुझे सही एंगल मिलेगा मैं उसे यहाँ पे प्रेस कर दूँगा। ये मैंने यहाँ इसे प्रेस कर दिया है। अब इसे आप धीरे धीरे पीछे से खींचते जाइए। धीरे 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 आप इसे लगा दीजिए। मैं बहुत ही सावधानी से इसे लगा रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो इसमें। यह बिल्कुल नहीं आया। और ये आपका फास्टैग लग चुका है एकदम बरोबर। ये बाहर से आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह लग चुका है फास्टैग। अब हम इसे जानते हैं कि इसे हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। पेटीएम ऐप खोलना है। पेटीएम ऐप खोलते ही आपको माय ऑर्डर सेक्शन के अंदर जाना है। वहाँ पर आपको आपके ऑर्डर फास्टैग की डिटेल्स जो मिलेगी उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेट नाउ लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको आपके फास्टैग आईडी यहाँ पर मेंशन करना होगा, जो कि आपके फास्टैग के ऊपर लिखा होगा और आपको फास्टैग जिस एनवेलप में डिलीवर हुआ है उस पर भी ये कोड लिखा होगा। आप उस कोड को यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आपको सबमिट नाउ पर क्लिक करना होगा। सबमिट नाउ पर क्लिक करते ही आपको आपके RC के फ़ोटोज़ अपलोड करने होंगे। सबसे पहले हम फ्रंट फ़ोटो RC का अपलोड करेंगे यहाँ पर। अगर आपने ऑलरेडी RC का फ़ोटो खींच रखा है तो आप चूज़ फ़ोटो फ्रॉम गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मैं टेक अ फ़ोटो ऑप्शन चूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं उसे क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। वैसा ही हम RC का बैक फ़ोटो भी कैप्चर करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा
जो कि कहेगा योर फास्टैग आईडी इज़ एक्टिवेटेड, नाउ यू कैन यूज़ इट। तो अब हमारा फास्टैग एक्टिवेट हो चुका है, अब बस हमें इसे यूज़ करने के लिए हमारे पेटीएम वॉलेट में पैसा डालना होगा, और वो पैसा ऑलरेडी जब हम टोल बूथ क्रॉस करेंगे उस वॉलेट में से ही कट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है फास्टैग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।